जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्परभूत पिता प्रणतम पतितम हत बुद्धि बलम जनधारण तारयता पिततम् गुणहीन सुदीन मलिन मलिन त्वयि मातरि दातरि चापरति तमसारज साभित बुद्धि विभम जनधारण तारयता। ऑलराइट गाइस, राधे राधे। तो कैसे हो सब? वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और मेरे तरफ से सभी भाइयों और बहनों को महाशिवरात्रि मेरे तरफ से सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत दिनों के बाद देखो मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ, ऐसे तो मेरा मन नहीं करता है बट टाइम पास भी नहीं हो रहा है तो हाँ, तो बस मन को कहीं बिजी रखने के लिए ऐसे ही थोड़ा जो भी बना ले रहा हूँ वीडियो। तो आज है संडे, कल है मंडे, कल हम जा रहे हैं जल ढालने के लिए नीलकंठ। तो भाई ऐसे एक बात बताओ, जब लास्ट ब्लॉग देखे थे भाई, मेरा चूल बस लंबा लंबा था, अभी देख रहा हूँ डार्क वार्क हो गया। भाई मेहनत कर रहा तुम्हारा भाई, पूरा मेहनत कर। तो हाँ, तो टॉपिक से भटकते नहीं है, तो हम लोग कल जा रहे हैं नीलकंठ जल ढालने के लिए, उसके बाद भंडारा खिलाएंगे। तो ये ब्लॉग तो लेट आ जाएगा वरना सबको सॉरी। तो हम लोग कल जा रहे नीलकंठ, जल ढालेंगे फिर भंडारा खिलाएंगे, और ऐसा कुछ तो प्लान है नहीं। और अगर होगा तो जिम का व्लॉग भी डाल देंगे, मतलब इसी में अटैच करके, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, मतलब 8-9 मिनट का, इसी में ऐड कर देंगे। तो हाँ, अब से ये प्रॉमिस हम हर दिन करते हैं, जब भी ब्लॉग बनाते हैं फिर से कर दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम भी नेता हैं। तो नेता मतलब इस दुनिया का, दुनिया ज़्यादा हो गया, मतलब हम भी है पार्टी पॉलिटिक्स वाला आदमी, तो मेरा बात तो वैल्यू नहीं रहता है। तो बात तो सही है भी मत रखना। तो आज से मे भी हर दिन ब्लॉग आएगा और जिम ब्लॉग आएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई अभी जिम कर बॉडी है। तो हाँ, अब से कोशिश करेंगे कि हर दिन ब्लॉग डालें, और 77 सब्सक्राइबर से मेरे पता भी नहीं भाई, इतने दिन के बाद वीडियो डाल रहे हैं, तो 77 को 100 आज कर लेंगे सावन ख़त्म होते होते, पॉसिबल हुआ तो, नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा। इतना लंबा चाटेंगे तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो मिलते हैं कल सुबह में फ्रेश होके नीलकंठ के लिए, तक लगे रहो ब्लॉग पे। ऑलराइट गाइस, राधे राधे। तो हो चुका है सुबह, और सुबह का बज रहा है 6:20, और हम लेके आ चुके हैं फूल, मतलब फूल पूजा के लिए लाना होता है भाभी, तो वो जाके लेके आ चुके हैं, और अभी जाएंगे पूरा स्वच्छ करेंगे एंड फिर नहा के मस्त रेडी होके मज़े चलेंगे। तो एक धोखे वाला लड़का वो नहीं जाएगा पूरा, हम लोग 3 जा रहे हैं, चलो चलते हैं। इसके बाद जो खड़ा देखो यार, मेला लग रहा है, ये मेला लगता है रक्षाबंधन का, रक्षाबंधन आने वाला है, तो यहाँ पे मेला लगता है। ये क्या बोलता है, ये देखने में सिर्फ शरीफ है, 5-6 गर्लफ्रेंड है। हाँ,
बीच में 5-6 गर्लफ्रेंड है, बता रहे 5-6 गर्लफ्रेंड है। तो अब हम लोग आ चुके हैं थोड़ा पे, अब मंदिर सामने ही है, मतलब अभी तो दूर है 5-10 मिनट। इससे गाड़ी हमेशा बंद हो रहा है बीच बीच में, हमेशा बंद करता गाड़ी। तो क्या चलो रास्ते का एंजॉय करो। अरे बना नहीं पा रहे सिनेमेटिक्स यार, मेरे को पता है आप भूल गए सिनेमेटिक्स बनाना, हम रास्ते का जो सिनेमेटिक्स बनाते थे वो हम बना भी नहीं पा रहे। खैर कोई बात नहीं, अभी चलते हैं आगे और देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं क्या होगा, कुछ नहीं, जल डालेंगे फ्री का खाए क्यों ना, यही करेंगे, तो यही करने जा रहा है, हम तो यही करने जाते हैं, जल डालेंगे फ्री का खाएंगे और आएंगे। जैसा कि देख सकते हो आप लोग, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा भीड़, इतना भीड़ है, मेला लग गया है, फ्री का भंडारा खाने के लिए सब लाइन में है और हम लोग भी लाइन में लगने वाले। खैर अब पानी यहाँ से लेते हैं, हमारा ध्रुव बाबा बताएगा हम लोग को पानी कहाँ से लेता है। हम यहाँ पे पहली बार ये मंदिर आ रहे हैं, सच बता रहे हैं, पहली बार नीलकंठ आ रहे हैं, भंडारा वंडारा खाएंगे, जो भी प्रसाद खाने के बाद पत्तल गिलास जितना भी है डस्टबिन में ही डालेंगे, आप सभी से अनुरोध है। को हमारी तरह सबको अच्छा बीवी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, इसको भी अच्छा बीवी चाहिए, इसको भी अच्छा बीवी चाहिए, हमको पैसा चाहिए, बात तो सही है। तो इतना भीड़ है भाई, सबको अच्छा पति, अच्छा पता, मतलब सबका पास, मतलब भीड़ भाई, इतना भीड़ है, हमको लगता है 3 घंटा यहाँ पे हम लोग खड़ा रहना पड़ेगा, इतना ज्यादा भीड़ है, भीड़ मतलब सोचा था इसी नॉर्मल था। हम लोग पीछे बहुत भीड़ है, हम लोग पीछे भी बहुत भीड़ है, जस्ट अभी लाइन लेके 2 मिनट हुआ पर पीछे में भीड़ हो गया, तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। बोरा बोरा दिखेगा भाई, बोरा कहाँ जी। तो हम लोग आ चुके हैं बहुत दूर से, बहुत दूर तक, मतलब अमरनाथ से केदारनाथ तक दिखा सकते हैं वीडियो थे गाइस यहाँ पे, वहाँ से फिर ऐसे सांप बन के ऐसे 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 आके अभी हम लोग यहाँ पे हैं चारों। तो अभी हम लोग और सांप बन के जाना है एकदम उधर, बहुत भीड़ है, जहाँ तक हमको लगता है कि बच जाएगा 11:30 जल्द खाने का, कुछ खाए नहीं पेट में, भूख भी नहीं लगी, 36:30 भाई बहुत भीड़ है भाई यहाँ पे, लगता है मन्नत पूरा हो जाता है। फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, मंदिर के पास, 2.5 घंटा का सफर, 1 घंटा का था 2 घंटा का था, किसको घुसा लिया भाई, किसको घुसाया, किसको घुसा दिया, किसको घुसाया, ए अरविंद पापी क्यों लिया यहाँ पे आके, फाइनली यहाँ होने वाला है और हम लोग घुसने वाले हैं यहाँ पे लोटा ना भी ध्यान देना, तो भांग गिर गया मेरा हाथ से, गिरा दिया साला,
पापी कहाँ का खुद का गिरा, इसीलिए हम लोग गिरा दिया। खैर कोई बात नहीं, अब चलो दर्शन वर्शन करके चलते हैं। फाइनली मंदिर के अंदर हम लोग घुस चुके थे और भीड़ इतना था कि कुछ बना नहीं पा रहे थे, और मंदिर के अंदर में भी आके मंदिर में भी लाइन है। सो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी ये लास्ट लाइन है, उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर जाएंगे, मंदिर के अंदर। और मे भी हो सकता है कि हम लोग अंदर ना शूट कर पाए, क्योंकि क्या बोलते हैं मंदिर में अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है, शायद हम लोग को एक मिनट का भी टाइम ना मिले जल चढ़ाने का, जल थोड़ा सा तुरंत निकाल देगा। तो अभी तो मतलब अभी ऐसा सीन है कि मतलब तीन घंटा खड़ा हो उसके बाद एक मिनट पानी ना हो। खैर वो सब तो चलता रहेगा, और अभी लास्ट लाइन, उसके बाद हम लोग बाबा के पास जाके डल डाल लेंगे। ये रहा भांग, बहुत सारा भांग, क्या बोलते हैं उसको, हाँ भांग नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं सुधरू, भांग, गांजा, गांजा, हाँ गांजा, भाई ये करेक्ट कर दिया हमको गांजा बोल के, हाँ ये गांजा है, बहुत सारा गांजा मेरे हाथ में बिगड़ गया था। और वहाँ पे एक लाइन पे एक लड़की बेहोश भी हो गई थी, तो उसने थोड़ा पानी वानी मार दिया, ये लड़का हेल्प कर दिया बहुत ज़्यादा, ये भाग गया था, जब वो गिरी तो भाग गया डर के मारे, डरपोक था, हाँ डरपोक था। कैसे कैसे ऐसा करना नहीं चाहिए था, भागना नहीं चाहिए था तुमको भाई। खैर कोई बात नहीं, अभी हो गया है, अब लोग जा अरविंद को देखा, अरविंद टाइम होगा तो हम दिखा देंगे, देख रहा था करे तो करे, बेचारे हाथ में लोटा था, तीन तीन को लोटा था बेचारे हाथ में। खैर कोई ना, चलो अंदर चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे शेष नाग, और यहाँ पे नंदी जी विश मांगा जा रहा है, हम लोग का विश कभी पूरा नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, विश के लिए हम आए भी नहीं है, और ये लाइन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई, इतना ज़्यादा भीड़, मेरा पैर का हालत ख़राब हो चुका है। कैसी कैसी पैर में अगरबत्ती खोज दी है, हाँ इसीलिए अगरबत्ती मुँह में डाल दी है। चल ठीक है, बंद किया बहुत सारा वीडियो, तो ठीक है ये बनता हुआ। अबे ये देख, ये देख, ये लो मस्त आ रहा फोटो, ये लो हाँ ठीक है। अब ये रहा कुछ अंदर का सीन्स, बहुत ज्यादा भीड़ अंदर में भी, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पब्लिक निकल ही नहीं रहा, रुक रुक के पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग निकल गए फाइनली पूजा करके, और हाँ यहाँ पे हो गया है हम लोग, अब सब लोटा में पानी खत्म हो गया, भांग खत्म हो गया है, अब देखते हैं। हाँ यहाँ पे इसका भी बच गया है, घर लेके जाएगा अपना गर्लफ्रेंड को, भोले बाबा से लिया, हाँ हाँ भोले बाबा से लिया, तू ही ले लिया, वैसे तो लिए नहीं क्या। खैर तो अभी चलते हैं, कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ जाना है, चल तू चलते हैं, गन्ना गुन्ना का जूस पीते हैं, उसके बाद चलते हैं घर, तब तक लग रहे हैं ब्लॉग में। इतना देर का मेहनत के बाद हम लोग गन्ना का जूस पिए जो दिखा नहीं पाए, और अब हम लोग खा रहे इडली। आप थंबनेल बनाएंगे भाई, आगे आ तो थंबनेल बनाएंगे, नहीं है पैसा नहीं, थंबनेल बन गया ठीक है, थंबनेल का भूखा है हम लोग, तो अब खा लेते उसके बाद दिखाते। ब्लॉग वहाँ पे खत्म कर दिए थे क्योंकि बहुत ज्यादा धूप था, उसके बाद खा के हम लोग तुरंत निकल गए। तो ठीक है, अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा वो जिम का आएगा, तब तक चैनल को जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, घंटा को बजा दे, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट जो आएगा जिम को लेके आएगा, वो एपिसोड जुड़ा आएगा। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, लगे रहो ब्लॉग के साथ।